हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं चलती हूँ अभी किचन में। बाहर ना बहुत सारी आवाज़ आ रही है, और इधर मैंने रखा हुआ था दूध गर्म करने के लिए, जो कि दूध रखा हुआ है। बाकी इसमें मैंने आलू रखे हुए हैं उबलने के लिए, जो कि बनानी है मुझे इसकी सब्जी, लस्सी वाली सब्जी बनानी है। और अयान मेरे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आज इनकी तबीयत सही है क्योंकि इन्होंने दवाई खा ली है, तो इनको आराम हो रहा है। और मुझे मालूम क्या, मुझे पता नहीं क्या, अगर मैं किसी के ब्लॉग देखती रहूँ ना, तो मुझे ना रात में वही सपना आता है। ऐसा लगता है कि जिसका मैंने ब्लॉग देखा है ना, उससे मैं मिल रही हूँ फेस टू फेस। पता नहीं क्या, मेरे दिमाग में वो बात रहती है, पता नहीं क्या। तो आज का शाम को ना, कल रात में करीब 11-12 बजे के टाइम मैं किसी का ब्लॉग देख रही थी, नाम नहीं लूंगी। तो ना सपने में मैं देख रही हूँ कि मैं उनसे मिल रही हूँ। होता है कभी कभी, है ना, जिस चीज़ के बारे में सोचो ना तो वो ध्यान में रखी रहती है। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। आनू ट्यूशन पढ़ रहा है, और इनका क्या, जब ये पढ़ते हैं ना तो इनको मम्मा चाहिए होती कि मम्मा पास में बैठे, लेकिन मैंने सोचा जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आज 3 दिन के बाद ये आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं तो इन्होंने ना 2 दिन तो ऐसा किया है, कहीं इन्होंने आध घंटा पढ़ा है, 1 घंटा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इन्होंने। आयान की मैडम को मैंने चाय दे दी है बना के, और आयान का भी मैं दूध रख के आ गई हूँ कि ये पढ़ते पढ़ते पी लेगा, वैसे तो ये जल्दी पीता नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ। छोटा सा बना दिया आपने तो, इस बॉल जब दिख रहा हो थोड़ा सा नीचे, और फिर से स्मॉल बना दिया। यहाँ से ये वाले दो से बना, तो नीचे बस स्टॉप, इसको ऐसे बना बना हाफ सर्कल बस। क्या है 9 बोलो 9। हाँ, और 11:45 हो चुके हैं इस टाइम पे, देखिए। तो मैं सोच रही हूँ खाना तो मैं 10 मिनट बाद बनाऊँगी, पहले मेरे पड़े हैं मशीन में कपड़े, तो वो कपड़े मैं पहले सुखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। मेरी बाथरूम में मालूम क्या है, कपड़े मशीन में धो या हाथ से बैठ के भी धो सकते हो, गर्मी नहीं लगती, आराम से मैं पंखा चला के आराम से बैठी रहती हूँ। आधे कपड़े सूख गए हैं और बाकी आधे अभी पड़े हुए हैं धुलने के लिए। आलू देखिए मैंने उबाल लिए थे, तो बस अब मैं करती हूँ इसमें तड़का लगा देती हूँ, और जीरा और मेथी का तड़का लगाऊंगी मैं इसमें। और जब ये लस्सी वाली मैं सब्जी बनाती तो इसमें मैं लहसुन प्याज और टमाटर नहीं डालती हूँ, और बाकी जब ये सब्जी खोल जाएगी ना उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले, यानी कि धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला, नहीं तो क्या होता ना ये सब्जी फट जाती है, इसमें लस्सी फटती है ना। तो बस देखिए सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है, और जब ये सब्जी खोलने लगी थी ना तो देखिए कढ़ाई छोटी फट गई थी ना, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में डाल दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट करके भी बताया करो कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, तो मुझे पता लगेगा। ये है मेरा शैतान बच्चा, इसको चाहिए मम्मा, जब ये पढ़ते हैं वैसे ये पढ़ते नहीं है, है ना। कह रहे मम्मा आप वीडियो क्यों बना रही हो, है ना ना। और ये अपनी मैडम को परेशान कर लेता, आज 2 दिन हो गए हैं काफी परेशान कर लिया इन्होंने, है ना। गंदे बच्चे हो ना। अच्छा करो करो स्लोली बाहर नहीं। हाँ करो करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी, सुबह 7 बज गए हैं इस टाइम पे, और आज है संडे, और लाइट है मेरी ना सारी बंद। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी चाय, और ये गए हैं कुछ सामान लेने के लिए,
तो मैं सोच रही हूँ आ जाए उसके बाद ही मैं चाय बनाऊँ। और कल का जो ब्लॉग था वो मैंने पूरा ही नहीं कर पाया था कुछ काम में मैं ऐसी बिजी हो गई थी जो मैंने बना ही नहीं पाया। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। और मैं दिखाती हूँ, देखिए ऐसे साफ नहीं दिखेगा। तो ये देखिए इतना सारा सामान रखा हुआ है जो कि करना है मुझे ये शिफ्ट। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा और अभी कुछ सामान रह भी गया है लाने को। तो जो सामान रह गया वो ये लेने गए हैं और ये सामान मैं ऊपर शिफ्ट करवाऊंगी। और ये किसका सामान है ये बताऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कौन शिफ्ट होने वाला है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था जब मैंने ऊपर रूम साफ किया था जब भी बताया था आपको। तो ये सारी बातें मैं बाद में बताऊँगी। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं एंड करूँगी क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाऊँगी नहीं आज। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।